गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे ये समझ सकता हूँ कि प्रेशर तो थोड़ा रहता है एग्जाम के पहले, और आप में से कई सारे लोग मैं देखता हूँ कि देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कि दिन भर टेंशन में गुजरता है पूरा। तो मैं कहता हूँ कि एग्जाम के पहले जितना आप काम रहकर सब्र के साथ पढ़ेंगे, जितना आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे, उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, क्या होता है कि एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा पैनिक लेने पर, मतलब कि आपने सोना ही बंद कर दिया, 4-6 घंटा सो रहे हैं सिर्फ, के दिन भर टेंशन में रहे हैं। फिर लोगों से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बात करते हैं फोन करके कि भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तू कैसा, अरे भाई तैयारी नहीं हो पा रही है, घबराहट हो रही मन में, तो ऐसा कन्वर्जन करते हैं, आधा पौन घंटा समय खराब करते हैं। तो मैं वही कहता हूं कि एग्जाम के ठीक पहले है ना, बहुत ठंडे दिमाग से कि भाई क्या पोर्शन बचा है हमारा, कितना रिवाइज करना है हमको। ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपसे कि आप जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं आपके, चाहे बायोमेंटर्स का हो, किसी का टेस्ट सीरीज हो ना, तो आप उसके दबाव में मत आना। आप ये सोचना कि आपको कौन सा पोर्शन वीक था, पहले उसे प्लग एंड फिक्स करते, टेस्ट मिस मत करना, कोई भी टेस्ट को मिस मत करना। और टेस्ट के रैंक को देखकर कभी भी जो है वो मत सोचना कि मेरा रैंक बहुत अच्छा आ गया या बहुत बुरा आ गया तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ जो है, टेस्ट क्यों होते हैं, टेस्ट इसलिए होते ताकि आपको आपकी गलती पकड़ने में आ जाए, आपको आपको ये मालूम चल जाए कि आप एग्जाम में तो गलती करके नहीं आएंगे उसमें, इसलिए टेस्ट होते हैं बेटा। ठीक है, टेस्ट से सिलेक्शन नहीं होता है, टेस्ट जो है एक अच्छा टेस्ट करते रहने का मतलब है कि आप कंटिन्यूसली अपने ट्रैक पर बने हुए हैं। टेस्ट खराब गया मतलब ये कि कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मालूम चल चुका है आपको, तो इसलिए प्लीज ना, तो टेस्ट को एक टूल समझिए। जो भी आपके कोचिंग क्लासेस के टेस्ट हैं, बायोमेंटर्स के टेस्ट हैं, या कोई भी टेस्ट सीरीज है, उसको आप एक सिर्फ टूल समझिए। वो टूल है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट तो आप एग्जाम के दिन करके आएंगे, तो अभी आपको उससे सीखकर अपनी कमजोरी को प्लग करना है। बहुत बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं, सर मेरे तो 500 ही नंबर आ रहे हैं, मैं तो 3-4 वीक हो गया, क्या करूं सर। के फिर फाइनली निष्कर्ष निकालते हैं कि बायोमेंटर्स को अपने टेस्ट का लेवल कम करना चाहिए, सर सिर्फ एनसीईआरटी से पूछ लो, सर थोड़ा भी एनसीईआरटी की लाइन के इधर उधर मत जाओ। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, साफ साफ क्लियर कर दूं मैं कि सिलेबस में भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के प्रैक्टिकल थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एग्जामिनर थोड़ा भी जो है बाहर निकलेगा ना तो आपको उड़ा देगा वो। इसलिए बायोमेंटर्स में हम कोई रिस्क नहीं लेते, हम 100% एनसीईआरटी कवर करते हैं, 10% बफर सिलेबस भी कवर करते हैं। और वही पैटर्न टेस्ट के अंदर रहता है कि 720 नंबर का पेपर आपका होता है, तो मानकर चलिए आप कि आपके जो है 10% जो है, 90% तो एनसीईआरटी बेस्ड है, 10% जो है वो एनसीईआरटी ड्रिवन होता है। वो मतलब कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ड्रिवन है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ड्रिवन का वो कॉन्सेप्ट है, तो उसको लेके घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए यदि आप बायोमेंटर्स के टेस्ट में आप 650 प्लस भी स्कोर करते हैं, इट इज अ वेरी गुड स्कोर, कि आप एग्जाम में 700 प्लस चले जाएंगे आप। ठीक है, तो लेकिन मेरा मानना यही है कि अभी टेस्ट को टूल समझिए और उस टूल से से अपनी गलती को पहचान कर इम्प्रूव कीजिए, तो बेटा फायदा होगा। ठीक है ना, घबराना बंद करो। और अभी दोस्तों से ये चिटचिट करना फोन पे, भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है, मेरी तैयारी भाई मेरे तो लगे पड़ा है, खेल लग गया मैं तो, पता क्या करूं भाई, ये सब बातें बंद करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोचो कि आज का 24 घंटा मेरे पास में, आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है, 27 तारीख है, अब फिर अभी क्या है वो मैंने कहा ना, हर दिन अभी भी इतना दिन है कि हम पूरी कोर्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चे बोले सर आप अपना सेशन कब लोगे, मैं लूंगा बेटा, मैं आपको बता के आपका ये जो मैंने कॉन्कर सीरीज का भी एक मैंने डाला हुआ है कि किस प्रकार से जो है वो लेक्चर उसके आएंगे, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ, वो ऐप पर भी जाएगा, इधर भी जाएगा वो लेक्चर। ठीक है, उसमें क्या है कॉन्कर सीरीज का सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस किए गए। ठीक है, चल ये तो नीट की बात खत्म, अब आज की काम की बात करते हैं। मैं एक बड़ी अच्छी बुक पढ़ रहा हूं, मैं इसको 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, 3री बार फिर से पढ़ रहा हूं। ये बुक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक है और ये डॉक्टर विजय अग्रवाल एक सीनियर आईएएस अफसर रहे हैं, उन्होंने ये बुक लिखी हुई है। ये 1983 के बैच के आईएएस अफसर है और ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे उनके साथ जो है ये इन्होंने काम किया काफी समय एज ए सेक्रेटरी, तो बड़ा अच्छा लिखते हैं ये। तो इन्होंने इस बुक में एक किस्सा जिक्र किया है, एक चीज उन्होंने बतलाई हुई है, मैं आपको सुनाता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार क्या हुआ कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था कहीं पर, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट इनके ऊपर प्रयोग कर रहे थे वो। तो एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अतिरिक्त आत्मविश्वास में आकर प्रेस के सामने ये बोल दिया कि 2 वर्ष के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से
लाइट की जो जो हम काम कर रहे हैं वो एक रियलिटी में बदल जाएगा। बुक की थोड़ी लैंग्वेज शुद्ध हिंदी है, तो बच्चे बोलते थे शुद्ध हिंदी मत बोला करो, गड़बड़ हिंदी बोला करो ताकि हमको समझ में आ जाए बात, क्या बताऊं हम बैठ के। खैर, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर प्रेस के सामने बोल दिया कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो बल्ब या लाइट की जो बात है वो 2 साल के अंदर रियलिटी बन जाएगी, और उस समय तक कोई ऐसा थी नहीं चाहिए, मतलब उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइट जला सकते हो ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। पर ये काम कर रहे थे उस पर, ये काम आसान नहीं था। इसे करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन एक डेडलाइन प्रेस के सामने पूरी दुनिया को दे चुके थे। अब बोल चुकने के बाद उन्हें लगा कि यार कुछ अब जल्दी बोल दिया मैंने, ये मतलब अभी तक तो हमारा प्रोटोटाइप बना है और जिसपे भी अभी प्रयोग सफल नहीं हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने एक टीम बनाया, 50 साइंटिस्ट का अपने साथ एक टीम बनाया, इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, और सबके सब जो है वो दिन और रात जो है वो काम पर लग गए। इन्होंने उन 50 लोगों की टीम को ऐसे डिवाइड किया कि किसी भी मिनट काम ना रुके। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाई उन्होंने। एक शिफ्ट में साइंटिस्ट कुछ काम करेंगे, 15 लोग काम करेंगे, उसकी पूरा होती है अगली शिफ्ट में 15 लोग और काम करेंगे, तो 24 घंटे काम चलता रहे। और ये चूंकि ये तो खुद ही मेन मेन व्यक्ति तो ये खुद थे थॉमस अल्वा एडिसन, ये 24 ही घंटा काम करते थे। मतलब इन कहते हैं कि ये उन 2 सालों में थॉमस अल्वा एडिसन जो है बामुश्किल जो है वो कुछ घंटे लगातार सो पाए होंगे। लगातार मैंने एक एक स्लॉट में काम शुरू हुआ तो 1-2 घंटा जाकर अपने अपने जो ऑफिस में जो सोफा रखा था उसी पे तकिया लगाया, 1-2 घंटा सो गए, उठे सो के फिर देखा अगली शिफ्ट का काम, काम देखा, शिफ्ट होने के पर खत्म होने के पहले काम को मॉनिटर किया अगली शिफ्ट में कहां से काम शुरू करना है, क्योंकि क्या था कि साइंटिस्ट की टीम बदल रही थी तो कौन कहां काम खत्म करके गया, उसके आगे क्या काम होना है ये किसको मालूम रहेगा, एक आदमी को मालूम रहेगा, वो थे एडिसन, ठीक है। तो एक शिफ्ट के शुरू होने पर पूरा गाइड किया उसको उन्होंने, फिर 1-2 घंटा आराम करने चले गए, फिर उसके बाद फिर उठे, उठ के फिर अगली शिफ्ट के पहले उस काम को, पहली वाली शिफ्ट का काम मॉनिटर किया, अगली शिफ्ट का काम हैंड ओवर किया, ऐसे करके उन्होंने 3 या 4 घंटे बमुश्किल 2 साल तक सो पाए होंगे, जो भी एक एक घंटे के अंतर में सो पाए। वजन कम हो गया इनका, स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ा, लेकिन 2 साल ये लगे रहे इस काम में, ठीक है। कहते हैं कि वो आधी रात के समय वो थोड़ा सा खाना खाते थे ताकि लंबी नींद ना आ जाए, ठीक है, काम में जुट जाते थे। 2 साल का उन्होंने पूरा दिन लिख रखे थे दीवार पर, हर दिन काटते चलते थे वो, और कितना काम हुआ उसको अपनी डायरी में नोट करते थे वो। ठीक 2 साल के बाद उसी दिन जिस डेट पर उन्होंने अनाउंस अनाउंस किया, उसी दिन 4 सितंबर 1882 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 4 सितंबर 1882 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर बल्ब जलाकर दिखाया। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस हॉल में उन्होंने सारे कर्टन्स लगा के आर्टिफिशियली अंधेरा कर दिया, और सब सब लोगों ने बोला कि भाई कर्टन बंद कर दिया आपने, अंधेरा हो रहा है। उन्होंने कहा रुकिए 1 मिनट, और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया और बल्ब जलाकर दिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आए थे उन्होंने कहा कि ठीक 2 साल पहले एडिसन ने यह बात कही थी और आज उन्होंने जो है वो ये कर दिखाया। कहते हैं कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जो है वो फिर कई बल्ब लगा रखे थे अपने उसमें, उनको ऑन किया उन्होंने और कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम इन्हीं आर्टिफिशियल रोशनी के नीचे आज का बात करेंगे हम, ठीक है। फिर इसके अगले दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड, उस समय का सबसे बड़ा अखबार था अमेरिका का, यूएसए का, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपना टाइटल छापा, खबर लिखी उन्होंने, इस मंदिम रोशनी के नीचे बैठकर कोई भी घंटों तक लिख सकता है और एक क्षण के लिए भी उसे महसूस नहीं होगा कि वह किसी कृत्रिम प्रकाश में काम कर रहा है। मतलब हेडिंग देखिए, वो लिखता है हेडिंग में, न्यूयॉर्क हेराल्ड का हेडिंग है, इस मंदिम रोशनी के नीचे बैठकर कोई भी घंटों तक लिख सकता है और एक क्षण के लिए भी उसे यह महसूस नहीं होगा कि वह किसी कृत्रिम प्रकाश में काम कर रहा है। एडिसन ने कर दिखाया, ठीक है। एडिसन को जब जब भी कोई आराम करने की सलाह देता था तो वो चिढ़ जाया करते, दोस्त यार आते थे बोलते थे अरे तू इतना काम करेगा पगला जाएगा भाई, इसे मत कर तू सो जा, तो चिढ़ जाते थे। वो कहते थे विश्राम तो मैं करता हूं, एक साथ मैं 6-7 विचारों पे काम करता हूं, और जब मैं काम जब जब मैं अपनी लैब में जाता हूं तो मैं उनमें से 5 विचारों को बाहर कर देता हूं, वही मेरा विश्राम है, मेरा दिमाग कभी फ्री नहीं हो सकता, वो पूरे समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वो कहते हैं कि जिस चीज ने मुझे पिछले 2 साल में सबसे अधिक परेशान किया है,
जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक मेरे धैर्य को सबसे अधिक परखा है, जिस चीज ने मुझे सबसे अधिक डराया है, वो थी घड़ी, वॉच, जिसने मुझे डराया है। वो कह रही थी मुझसे कि आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, और मुझे रेस अगेंस्ट टाइम मुझे दौड़ना था, इसलिए मैं 2 साल में ये कर दिखाया मैंने। ठीक है, अब बड़े मजे की बात है, कई लोग कहते हैं कि जो है मैं आपको पूछूं कि एक संगीत में और साउंड में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड साउंड, आप बता पाएंगे क्या अंतर है म्यूजिक में और साउंड में? साउंड, एवरी म्यूजिक इज अ साउंड, पर एवरी साउंड इज नॉट अ म्यूजिक। एवरी म्यूजिक इज अ साउंड, बट एवरी साउंड इज नॉट अ म्यूजिक। तो म्यूजिक और साउंड में फर्क इस बात का है, फर्क इस बात का है ताल का, फर्क इस बात का है फ्रैक्शन का, फर्क इस बात का है कि किस समय पर कितना साउंड निकाला गया, किस फ्रिक्वेंसी का साउंड निकाला गया, वही म्यूजिक बनता है। लोग आप देखा होगा स्कूल में दरवाजा दरवाजा बजा के या बेंच बजा के म्यूजिक निकाल लेते हैं, बेंच पे हाथ मारो ऐसी आवाज होगी, लेकिन कुछ लोग उसको ताल बना के जो है वो म्यूजिक ड्रम जैसा बजा देंगे बेंच को। तो कहने का मतलब ये है कि संगीत में और जो है वो साउंड में, म्यूजिक में और साउंड में फर्क इस बात का है कि सही तार को छेड़ना, सही समय पर उस तार को छेड़ने का मतलब क्या, फ्रैक्शन करना। बांसुरी है तो आप बंद करते हैं, खोलते हैं इसके छेद को आप, तो आवाज निकलती है। फिर गिटार है, सितार है, तार को आप फ्रैक्शन करते हैं तार का, तो आवाज निकलती है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कि कहीं आप फोर्स लगा रहे हैं, कहीं रिलीज कर रहे हैं, फ्रैक्शन कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, वहां से उसी से साउंड एक म्यूजिक बनता है। तो लोग कहते हैं कि हमारा जीवन भी साउंड के समान है, हमारा लाइफ भी साउंड के समान है, और उसको म्यूजिक में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू नीड फ्रैक्शन। तुम्हें घर्षण चाहिए, तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए, तुम्हें कंप्रेशन चाहिए, तो ही तुम्हारे जीवन का साउंड जो है म्यूजिक बनेगा। तो घबराना मत संघर्ष से, घबराना मत संघर्ष से, क्योंकि संघर्ष जो है वो वही घर्षण है, वही कंप्रेशन है जो तुम्हारे जीवन के साउंड को म्यूजिक में कन्वर्ट करेगा। और म्यूजिक सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, साउंड सुनने के लिए नहीं होते। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।